दोस्तों अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, इस समय तरबूज की खेती में वाटर मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, पानी आपको कैसे देना है, कितने समय से देना है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहे। अगर दोस्तों तरबूज की साइज आधा केजी बन चुकी है तो पूरे प्लॉट में आपको पानी चलाना है और वीक में एक बार चलाना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर तरबूज की साइज आधा केजी बन चुकी है तो 10-15 दिन में आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी, बहुत ही अच्छी साइज बन जाए, गर्मी का असर ना हो। अभी राजस्थान में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ के किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तरबूज की फसल में। तो पूरे प्लॉट में ही चाहे बेड आप बना रखे हैं तो बेड के बीच में खुला पानी चला दीजिए, जिससे तरबूज की साइज बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी बन जाएगी। बेड पे भी आपको पानी चलाना है तो बेड पे ड्रिप से इतना पानी चलाना है कि बेड से बाहर तक पानी आए, क्योंकि रूट होती हैं वो बेड से बाहर तक फैल जाती हैं। फसल अगर इतने दिन की हो चुकी है कि तरबूज की साइज आधा केजी लगभग बन चुकी है तो उसके रूट भी काफी दूरी तक फैल जाती है। तो बेड के बीच में या तो आप पानी चलाइए, नहीं तो आप बेड पे भी इतना पानी चलाएंगे कि बेड से बाहर तक पानी आए, और कोशिश कीजिए कि आप डेली पानी चलाएं। सेकंड दोस्तों कि अगर तरबूज की साइज आधा केजी से छोटी है आपकी फसल की तो फिर आपको बेड पे ही पानी चलाना है, लेकिन आपको डेली पानी चलाना है और पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में चलाना है कि बेड से बाहर तक पानी दिखना चाहिए, इतना पानी आपको चलाना है। अगर आप इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट अपने फसल में करेंगे तो गर्मी का असर आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा, स्वस्थ आपकी फसल रहेगी, साइज बहुत अच्छी बनेगी, और तरबूज की फसल में स्पेशली पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस अनुसार आप पानी चलाएं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।